प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी व चंदौली में होंगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लालायित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5000 की संख्या में बैठे दर्शक गण को कार्यकर्ताओं को चंदौली वासियों को संबोधित करेंगे व सौगात देंगे, जिससे पर्यटन सहित महापुरुष की जीवनी को बरकरार रखा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूर्ति का अनावरण होगा, वहां मेंटल डिटेक्टर, जैमर व पीएससी रैपिड एक्शन फोर्स सहित डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरे आदि लगाए गए हैं, जिससे परिंदा भी पर न मार पाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु लोकल इंटेलिजेंस सहित आईबी की टीमें भी मौजूद हैं, जो कि सादी वर्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा प्रदान करेंगी। हम चल पड़े पड़वा की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 63वीं फिट ऊंची प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम को संबोधित सुनने के लिए भाजपा की टोली निकल चुकी है। चेयरमैन संतोष खरबार के नेतृत्व में, जिसमें जितेंद्र मिश्र, महेंद्र चौहान, प्रमोद शर्मा, विपिन चौबे, संजय यादव, रितेश गुप्ता, सोम जसवाल, जयप्रकाश, प्रकाश गुप्ता, सादाब अशरफ, अशोक केसरी, मनोज जसवाल और आपका सभासद जितेंद्र गुप्ता मोदी के नारों से काली महल गूंज गया। इस समय भाव स्थित चौराहे पर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 48 लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए, और आइए हम यहाँ जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से कि यहाँ उनको कितने फायदे मिले। सर, अपना नाम और परिचय बताएं। जी, मेरा नाम राहुल जायसवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद चंदौली का कार्यकर्ता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 63वीं प्रतिमा का अनावरण पड़ाव चौराहा, जो कि वाराणसी और चंदौली जनपद का एक बीच का एक स्थल है, जिसे पड़ाव के नाम से जाना जाता है, जो माना जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जब शव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मिला था, तो उनकी हत्या कहीं ना कहीं गंगा के इस पार यानी पड़ाव के आसपास हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्मृति स्थल, जो कि 63 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसका उन्होंने अनावरण किया है। साथ ही 1254 करोड़ रुपए का आज उन्होंने कई अनावरण किया, जैसे कि इसका हॉस्पिटल है, शिक्षा का क्षेत्र है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। इन सुविधाओं से आज माननीय मोदी जी ने पूर्वांचल के लोगों को बहुत बड़ा लाभ दिया है, जिससे कि पूर्वांचल सहित बिहार और नेपाल जैसे देशों को जो पीड़ित व्यक्ति है, उनको चिकित्सा का, उनको सड़कों का, उनको बिजली का, उनको पानी का शिक्षा का लाभ मिल सकता है। आज हर्ष का विषय है और स्मृतियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करने का पूरा भाव इच्छा है। दीनदयाल जी की वो प्रमुख स्थली व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, जहाँ उनका ग्रहण होता है, ऐसे में आज उनकी पुण्यतिथि के 3 दिन 4 दिन बाद 7 दिन 1 हफ्ते के बाद आज जो उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री जी और हमारे सांसद के मूल प्रयास से, डॉक्टर महेंद्र पांडे जी के मूल प्रयास से, जो ये दीनदयाल उपाध्याय पुण्यस्थली का आज लोकार्पण हुआ है प्रथम चरण का, ये हम सबके लिए भावुक क्षण है और हम सबके लिए हर्ष का विषय है और हम सबके लिए भावुक क्षण है। महाकाल एक्सप्रेस का भी यहाँ महाकाल एक्सप्रेस जो हुई है, सनातन संस्कृति में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को, भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में 3 ज्योतिर्लिंगों को ओंकारेश्वर, उज्जैन, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ का एकीकरण करके जो ये महाकाल काशी महाकाल एक्सप्रेस चलाई गई है, इससे अब जो हम सब चाहते थे कि महाकालेश्वर दर्शन करने में आसानी हो, निश्चित रूप से बड़ा कदम है। कैंसर इंस्टीट्यूट का विषय हो, कैंसर अस्पताल का विषय हो, चाहे वो 400 से अधिक बेडों का, ये भी हर्ष का विषय है। मैटरनिटी हॉस्पिटल जो हमारे कबीर चौरा में मातृत्व एवं शिशु के लाभ के लिए देखा गया, ये भी हर्ष का विषय है। 24 घंटा विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राजा तालाब में जो विद्युत का 132 KVA का नया प्लांट, नई यूनिट लगी, ये भी अच्छा विषय है और हम लोगों के लिए काफी गौरवशाली विषय है। इसके साथ साथ बहुप्रतीक्षित एक योजना जो
बहुत पहले अन्य सरकार जो केवल कागज और हवाओं में चला करते थे उसको भी पूरा करने का काम जो ये चौकाघाट फ्लाईओवर से जोड़ करके लतारा फ्लाईओवर जो प्रयाग जाने वालों के लिए जान से मुक्ति के निजात का सर्वाधिक और सरल माध्यम जो बना है निश्चित रूप से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इनके साथ साथ हम चंदौली वासी अपने सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के इस प्रयास के लिए उनको एक बार पुनः धन्यवाद दिखाई देते हैं और बहुत शानदार हम सब उनको इनके ऊपर गौरव करते हैं। देखिए लोगों के संतुष्ट होने का विषय क्या है, आप पत्रकारिता करते हैं आप संतुष्ट हैं अपने काम से, लेकिन वो क्या है वो जनहित का विषय है। अस्पताल में व्यक्ति संतुष्ट होने ही जाता है, अस्पताल में व्यक्ति जाता क्यों है आप पहले ये था कि कल्याण सेंटर अब जो खुल गया बहुत ही अर्थ का विषय है। अभी जाने दीजिए मरीजों को आप देखेंगे बहुत मजा आएगा उन लोगों को जो आराम से अपने घर रहेंगे। दुनिया कहती है मेडिकल साइंस कहता है बड़े बड़े मेडिकल की टीमों ने प्रमाणित किया है कि कैंसर फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आ जाए तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन टाटा मेमोरियल क्या हमको जाना पड़ता था। उसके बाद फिर मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की, टाटा को हैंडओवर किया लतारा कैंसर का अस्पताल, और उसके बाद आज बीएचयू में एक आयुर्विज्ञान आप समझिए कि एक पूरी कमेटी बना के उसके चेयरमैन को बना करके जो निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंसी के साथ उसके एक टारगेट लक्ष्य परक समय के अंदर उसको स्थापित किया उसको खड़ा किया। और आज हम सब आप कह रहे हैं कि लोगों को क्या आराम मिलेगा, मैं कह रहा हूं कि आप जब अगली बार किसी से पूछेंगे कि मोदी जी ने सबसे अच्छा काम क्या किया तो लोग कहेंगे कैंसर अस्पताल का काम।